ए उसे नहीं मछली को जो लगा के खाओ। तो दोस्तों ये देखिए इतना बड़ा आज फिश है, तो इसको आज बनाने वाले हैं। उठा के देखा करना, इसमें हड्डी बहुत कम होता है दोस्तों। तो इसको अभी फ्राई, दूसरा टाइप की। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों ये वाला मछली को पिछले बार किए थे तो थोड़ा ये हो गया था, नरम नरम और तेल भी छूटता है। तो आज दूसरा आइटम के बनाएंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करके, क्या बोलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों पिछला वीडियो में बनाए थे यही वाला मछली को, लेकिन इतना अच्छा से नहीं हुआ था। तो आज देखते हैं दूसरा आइटम का बना के कैसा बनेगा। तो इसको अभी पीस करते हैं दोस्तों। करीना ही काट रही है। ममता मत खेलिए। करीना इसको धो के साफ सफाई कर ली है, और इधर है अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट, और यह है स्टार्च। देखते हैं आगे क्या बनाती है। नमक, बाबू भी थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा है। हम लोग का रेडी है, बस इसको फ्राई। वहां तक खाएगी। तो दोस्तों इधर तेल हो रहा है गरम, जब तक करीना बाबू को ममता भी देखने के लिए, और इधर दूध भी उबल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों उस दिन नरम नरम हो गया था, लेकिन आज एक नंबर है, खाने में बहुत टेस्टी आएगा। हम लोग का दूध भी उबल चुका है दोस्तों। दूध गलम तो नहीं पीबे नहीं। बस यही रह गया है दोस्तों, दो चार पीस। हरा तो एक नंबर हुआ, देख सकते हैं पूरा, मतलब उस दिन तो पूरा खोर गया था। खाने में भी अच्छा लगेगा। वाह वाह वाह। तो दोस्तों हम लोग का मछली हरा तो हो चुका है, सब सामान बर्तन सब रख लिया है करीना। तो हम लोग का सब बन के रेडी है, गैस उस बंद कर दिए, आप खाने की तैयारी। तो वह सबको टमाटो सॉस हम लोग के लिए दूसरा चटनी है दोस्तों, ज्यादा नहीं, ठीक ठाक दे दी। नमस्ते तो करते नहीं हो बाबू। चलिए खाइए खाइए। तो बाबू भी अभी तो ठीक है, मछली को उसमें लगा के खाइए। ए उसे नहीं,
मछली को जो लगा के खाओ। अच्छा खाओ 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 बाबू तो बस। तो दोस्तों मछली फ्राई और इधर काल वाला ही सब्जी बचा हुआ था तो फ्रिज में रखे थे तो बहुत मज़ा आता है। इधर फिश फ्राई और इधर है धनिया चटनी करना है तो मज़ा ही आने वाला है जैसा लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए करना जी ऐसा तो ये सब्जी भी बहुत एक नंबर है। बस दोस्तों इसमें इतना ऐसा हार्ड होता है।
तो दोस्तों आज मेरा एक पीस बच गया, क्योंकि बाद में खाने के लिए रखा हूँ। दोस्तों टेस्टी बहुत बना है, इसलिए करना भी बचाई है और चटनी भी बच गया दोस्तों गया। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, पहली बार हम लोग का चैनल में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।